इंटरफेरेंस का मतलब दो लाइट्स का सुपर इम्पोज होना, ताकि किसी पॉइंट पर क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरे या क्रेस्ट ट्रफ पे गिरे। क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरेगा बड़ा क्रेस्ट है, एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा। क्रेस्ट ट्रफ पे गिरेगा कैंसिल हो जाएगा, तो वो वहाँ पर लाइट आपस में कैंसिल करेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। ये हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन की थी। अब अगर आप इंटरफेरेंस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइट के जो दो सोर्सेज लेने हैं वो क्या चाहिए, कोहरेंट चाहिए। कोहरेंट का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल चाहिए। तो आइडेंटिकल सोर्सेज से इंटरफेरेंस करवाएंगे। लेकिन आगे चलने से पहले एक्चुअल में हो क्या रहा है इस YDSC के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये करने के बाद मैं मैथमेटिकल ये YDSC कैसे चलता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे काम करेगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये ऐसे बोले कि प्लस वन की ही वेव्स को कैसे देखा जाएगा, कैसे समझा जाएगा, उसको समझना जरूरी है। आप सीधा ये करने को स्टार्ट कर भी दोगे, कल को क्वेश्चन हल्का सा घूम गया, आप घूम जाओगे। तो आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें। देखो, सबसे पहली चीज, इसके अंदर सपोज करो आपके पास दो सोर्सेज हैं, ठीक है, ये आपके पास दो कोहरेंट सोर्सेज हैं, आइडेंटिकल सोर्सेज हैं, और ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन ऑफ लाइट है। इन दोनों सोर्सेज का मिड पॉइंट ये है, इसको मैं बोल सकता हूं ये सेंटर है इनका। अब इमेजिन करो बिल्कुल आइडेंटिकल वेव निकलेगी, अगर एक वेव ये रास्ता फॉलो करती है और ये फॉलो करती है तो दोनों का रास्ता एग्जैक्टली सेम होगा, जो पाथ कवर्ड होगा वो इसका और इसका एग्जैक्टली सेम होगा, ऐसे ही होगा। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर मान लो वेव ने, एक वेव निकली यहां से, ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, एक वेव है और ये दूसरी वेव है, राइट, ऐसे ही होगा। तो दो वेव्स यहां पर पहुंची, एक वेव का मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ, दूसरी का मतलब क्रेस्ट एंड, दो वेव्स हैं। और यहां से भी बिल्कुल आइडेंटिकल एक वेव और दो वेव, तो आइडेंटिकल वेव है। तो सबको पता है कि अगर पहली वेव का क्रेस्ट आ रहा है तो दूसरी का भी क्रेस्ट आएगा, मानते इस चीज को। तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ट्रफ, अगर ट्रफ आ रहा है तो ट्रफ आएगा, तो ट्रफ ट्रफ पे गिरेगा, बड़ा ट्रफ है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी। और वेव के अंदर मैंने आपको ये बताया हुआ है, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। वेव के अंदर एक और चीज है, इसको आगे चलने से पहले, कि अगर ये मान लो यहां से यहां लेंथ की बात करते हैं तो ये क्या लेंथ है, वेव लेंथ लैम्डा है। वेव क्योंकि पीरियोडिक इन नेचर है, पीरियोडिक वेव में यहां से लेके यहां तक टाइम टेकन क्या है, कैपिटल टी है। ये भी क्लियर है, मैथ के लोग आ जाते हैं, मैथ के लोग कहते हैं साइनोसाइडल है, तो मैथ के लोग ऐसे समझाते हैं कि आप इसे ऐसे करें, ये जीरो एंगल है, ये पाई एंगल है और ये टू पाई एंगल है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये फेज है, ये वेव का क्या है, ये फेज है। कई लोग फेज को ऐसे समझते हैं, किसी भी पीरियोडिक मोशन को आप कंपेयर कर सकते हैं विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगल कवर होता है उसको फेज बोलते हैं, हमने इसी चैप्टर के अंदर भी किया था फेजर बना के, तो वो जो साइनोसाइडल था फेजर बनते थे। पर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां पर दिख रहा होता है कि अगर आप सर्कुलर मोशन ले भी लें तो जितनी देर में वेव क्रिएट होगी कैपिटल टी टाइम में, सर्कल पे भी सेंटर पे एंगल कितना कवर हो जाएगा, 2π। पीरियोडिक मोशंस में जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर हम नॉर्मली सर्कुलर मोशन लेते हैं, इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ समय आता है दिख रहा होता है एंगल 2π है। तो अगर मैं ये बोलूं कि यहां से यहां वेव ने एंगल कितना कवर किया, उसे एंगल नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, फेज कितना कवर किया, तो क्या बोलेंगे, 2π। और वेव ने रास्ता क्या कवर किया, इतना रास्ता कवर किया, इस रास्ते को क्या बोलते हैं, पाथ। पाथ क्या ट्रेवल किया, लैम्डा। फेज 2π, पाथ लैम्डा, एक ही बात है। तो तीन चीजें इकट्ठी चलती हैं, 2π, लैम्डा एंड कैपिटल टी, एक ही बात है। मैं बोलूंगा वेव, मान लो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर गई तो एक वेव कंप्लीट हो गई, 2π फेज कवर कर गई तो वेव कंप्लीट हो गई, कैपिटल टी टाइम लग गया तो वेव कंप्लीट होगी, एक ही बात है, ठीक है यहां तक। तो अब सेम क्वेश्चन को अगर हम यहां पे सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करें तो आपके पास क्या आएगा, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये एक वेव ने यहां से यहां फेज कितना कवर किया, 2π, एक वेव का मतलब 2π, दो वेव का मतलब यहां पर एक और 2π, 2π प्लस 2π 4π, तो टोटल फेज कितना हो गया, 4π। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, 4π। ऐसे ये जो फेज होगा ये भी कितना होगा, 4π, ये भी 4π, वो भी 4π। सी पॉइंट पर अगर मैं कहूं फेज डिफरेंस क्या होगा,
आप क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस 2 पाई में से 2 पाई गया आंसर, 4 पाई में से 4 पाई गया आंसर क्या होगा, 0। 4 पाई में से 4 पाई गया आंसर इज 0। तो एक बात तो पक्की है कि अगर फेज डिफरेंस 0 है किसी पॉइंट पर, तो वहां पर ट्रफ ट्रफ पे गिर रहा है या क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर रहा है, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्योंकि अगर वो ट्रफ गिरेगा तो ट्रफ गिरेगा, दूसरा भी क्रेस्ट गिरेगा तो क्रेस्ट गिरेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, या ये पॉइंट किसका है, ब्राइटनेस का है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ब्राइटनेस का पॉइंट भी बोलते हैं, या मैक्सिमा का पॉइंट है, मैक्सिमा एक ही बात है। किताब कुछ कोई भी आंसर नाम देती है, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है यार मैं तो ऐसे काम करता ही नहीं। मैंने कहा फिर क्या करता है, वो कहता है जी मैं तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ। पाथ बोलो, मुझे नहीं आता फेज। तो मैंने कहा ले यहां से यहां वेव ने कितना पाथ कवर किया, लैम्डा, फिर एक और लैम्डा तो कितना हुआ, 2 लैम्डा, ऐसी यहां पर भी कितना हो गया, 2 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स का कितना है, 2 लैम्डा में से 2 लैम्डा गया कितना, 0। तो यानी कि अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है या 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है, तो ऐसे केस में कौन सी इंटरफेरेंस होने वाली है, कंस्ट्रक्टिव या पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहां तक। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, चलो। फिर किसी ने कहा कि सर जरूरी थोड़ा है कि सेंटर पे ये चीजें मिलेंगी, आप दूसरा एग्जाम्पल लो। मैंने कहा ठीक, एक काम कर, ये दो फिर से स्लिट्स हैं, ये ले, ये दो स्लिट्स हैं, ये मान लो एक पॉइंट है, आइडेंटिकल सोर्स है, एक जैसी वेव निकालेंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक वेव और दो वेव, यहां तक पहुंचने में कितनी वेव हो गई, 2 वेव हो गई, पर यहां से क्योंकि लंबा रास्ता है तो नंबर ऑफ वेव ज्यादा लगेंगी इसमें। तो इसमें सेम वेव है, एक वेव, 2 वेव और 3 वेव, इसमें 3 वेव लग गई, रास्ता ज्यादा है तो वेव भी ज्यादा लगेंगी। तो अब यहां से यहां एक वेव का मतलब 2 पाई, 2 का मतलब 2 पाई इंटू 2 कितना, फेज कितना है, 4 पाई। और यहां पर 3 वेव्स हैं, एक वेव का मतलब 2 पाई और 3 वेव का मतलब 6 पाई, तो ये फेजेस हैं इनके। तो अगर मैं बोलूं कि फेज डिफरेंस कितना है इनमें, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 6 पाई में से 4 पाई जाएगा कितना आएगा, 2 पाई। तो फेज डिफरेंस अगर 2 पाई है तो साफ पता लग रहा है कि ट्रफ फिर से ट्रफ पे गिर रहे हैं, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या मैक्सिमा का पॉइंट है। लेकिन कोई कहता है मैं तो पाथ डिफरेंस से कैलकुलेट करूंगा, हाँ तो कर लो, ये लो पाथ डिफरेंस लो। तो अगर ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, तो टोटल कितना है, 2 लैम्डा है, ये लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, 3 वेव्स का मतलब 3 लैम्डा है। तो इसका मतलब यहां पर जो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस वो आएगा 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा गया कितना आया, लैम्डा। तो यानी कि अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है या पाथ डिफरेंस लैम्डा, तो भी कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो ऐसे ही जब मैंने करना शुरू किया तो ये रूल बना, मैंने ऐसे कर करके देखा कि इफ फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई, करते 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 2n पाई हो, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। या फिर और इफ पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, करते करते एन लैम्डा हो, तो ऐसे केस में भी कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है।
ठीक है यहाँ तक। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंडीशंस आ गई, मतलब कैसे आई समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब ये ना इतना करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ये आपको याद है तो पाथ डिफरेंस निकालना बड़ा आसान है। कैसे? किसी भी एक वेव के लिए ये फेज क्या होता है 2π, तो ये पाथ क्या होता है लैम्डा, इसका मतलब 2π कॉरस्पॉन्ड्स टू लैम्डा। 2π का मतलब यानी कि लैम्डा होता है, ये फेज है ये पाथ है, तो पाई कॉरस्पॉन्ड्स टू लैम्डा बाई टू। तो यानी कि अगर पाई गिवन है उसकी जगह पाथ में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए लैम्डा बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो पाई की जगह। ये देखो ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मैंने बोल दिया कि ये जीरो है तो ये जीरो है, अगर 2π है तो लैम्डा है, अगर 4π है तो पाई को पुट करो लैम्डा बाई टू 2 लैम्डा, पाई को पुट करो लैम्डा बाई टू 3 लैम्डा, ऐसी पाई को पुट करो लैम्डा बाई टू तो एन लैम्डा। तो ये करने की जरूरत ही नहीं, अगर ये याद है तो पाई को लैम्डा बाई टू रिप्लेस करके आंसर आ गया। तो फेज पता है तो पाथ तो अपने आप ही आ गया, तो कंडीशंस क्लियर है ठीक। लेकिन सपोज करो किसी ने कहा कि ये जरूरी थोड़ा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि मान लो ये एक पी पॉइंट है जहाँ पर दो वेव जा रही हैं, इसमें मान लो एक और दो वेव्स लगी पहुँचने में, ठीक है, पर इसमें एक दो और ढाई 2.5 लगी, 2.5 में पहुँच गई वो। अब 2.5 में क्या प्रॉब्लम हुई, एक का क्रेस्ट तो दूसरे का ट्रफ, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिकल है, एम्पलीट्यूड बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो कौन सी इंटरफेरेंस हो जाएगी यहाँ पर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या ये पॉइंट कौन सा होगा, डार्क पॉइंट होगा, या फिर ये पॉइंट क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा, एक ही बात है ठीक है। और अगर मैं ये बात करता हूँ कि इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये डिस्टेंस है 2π, ये डिस्टेंस है 2π, तो टोटल फेस कितना है 4π। उसी तरीके से ये कितना है 2π प्लस 2π 4π प्लस कितना हो गया 5π। नहीं तो ऐसे कर लो, आधी वेव का मतलब होता है पाई, पाई प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई, 5 हो गया 5π। तो इसके अंदर फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, 5π माइनस 4π यानी कि पाई। तो अगर फेज डिफरेंस कितना है पाई, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव। और अगर मैं यहीं पर पाथ डिफरेंस की बात करूं, वैसे तो मुझे पता है पाथ डिफरेंस कैलकुलेशन बड़ी आसान है, पाई की जगह मन में क्या करेंगे लैम्डा बाई टू, एक सेकंड में आंसर आ जाता है। पर अगर एक्चुअल में करना है तो कर लो, ये देखो, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, ये कितना है लैम्डा बाई टू, 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 तो ये कितना हो गया 2 लैम्डा। ऐसी लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, तो क्या हो गया 5 बाई 5 इंटू 5 बार हो गया ना, 5 बार का मतलब 5 लैम्डा बाई 2। और अगर मैं इन्हें माइनस करूंगा तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 5 लैम्डा बाई 2 माइनस 2 लैम्डा, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा लैम्डा। पर ये करने की जरूरत नहीं है मेरे को लगता है, अगर फेज आ गया तो पाई को अपने मन में लैम्डा बाई टू कन्वर्ट कर दो, ज्यादा जल्दी आ जाएगा आंसर, क्लियर है। तो यानी कि अगर फेज डिफरेंस कितना है पाई, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है यहां तक। तो अब इसमें जो नेक्स्ट है, जैसे सपोज फिर से स्क्रीन है, फिर से एक बार दो वेव्स हैं एक और दो, फिर से एक बार ये एक वेव है और ये दो वेव है, और इस बार ये एक वेव है ये दो वेव है ये तीन वेव है और ये 3.5 वेव है, फिर से क्रेस्ट टफ पे आएगा ठीक है। तो ये दो वेव है तो ये क्या हो गया 2π × 2 यानी कि कितना 4π। तो ये कितने 1 2 3 4
पांच छ और सात, यानी कि सात पाई, इसका मतलब पाई होता है ना, तो सात बार है तो सात पाई। और इसमें फेज डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें तो सात पाई में से 4 पाई माइनस करना पड़ेगा, क्या आएगा 3 पाई। तो कौन सी इंटरफेरेंस आएगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी, क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ पे गिरने वाला है ऐसे केस में। और पाथ डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी, ये 3 पाई है, 3 × π की जगह रिप्लेस कर दो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, तो यानी कि 3 लैम्डा बाई 2 पे क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है एक्चुअल में क्या चीजें हो रही हैं इसमें स्क्रीन के ऊपर? अब प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको अलग अलग डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, पर एक्चुअल में इसी सोर्स में से यहां भी लाइट जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी, यहां भी, बहुत सारी वेव्स ही वेव्स हैं, पर मैं आपको अलग अलग डायग्राम बना बना के दिखा रहा हूं। पर एक्चुअल में एक सोर्स में एन नंबर ऑफ वेव जाती हैं और स्क्रीन के ऊपर इंटरफेयर करती हैं। हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जहां पूरी तरह क्रेस्ट ट्रफ पे कैंसिल हो रहा है या पूरी तरह क्रेस्ट पे गिर रहा है। कोई ऐसे पॉइंट भी होंगे जो पूरी तरह क्रेस्ट ट्रफ पे गिरेगा नहीं, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि पूरी तरह ना तो वो कैंसिल होंगे ना पूरी तरह इंटेंसिटी उसमें मैक्सिमम होगी, राइट? हम प्योर डार्क या प्योर ब्राइटनेस के पॉइंट को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कौन सी इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस की वैल्यू डेल्टा फाई या फाई, एक ही बात है, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई या फाई बोलते हैं, क्या आएगा? 2n-1, रादर ऐसे बोलना चाहिए, फेज डिफरेंस आएगा पाए या 3 पाए या 5 पाए या 7 पाए, कुछ इस तरीके से 7 पाए करते 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 2n-1 × तो फॉर्मूला आ गया कि अगर फेज डिफरेंस 2n-1 × π है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और सिमिलरली अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n-1 π की जगह अपने मन में क्या लिखेंगे? लैम्डा बाय 2, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। फॉर्मूला बना दिया मैंने, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब एक चीज बताओ, अब मैं अपनी उस एक्चुअल फिजिक्स पे आ रहा हूं जैसे बुक्स में लिखी होती है, लेकिन उससे करने से पहले एक चीज बताओ। मैंने ये वाला केस डिस्कस किया था जब मैंने एक सेंटर लिया था और एक वेव यहां से लेके आए थे, एक वेव यहां से लेके आए थे ऐसे। तो इसके अंदर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ये 2 नंबर ऑफ वेव्स हैं, ये भी 2 नंबर ऑफ वेव्स हैं, ऐसे दो मैंने एग्जाम्पल लिया था। तो इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर फेज डिफरेंस, फेज 4 पाई है, यहाँ पर 4 पाई है, तो फेज डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 0 है ना, ऐसे किया था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। आप कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, बस आप मुझे ये बताओ इस वेव की कोई इक्वेशन होती होगी। तो इस वेव की इक्वेशन है, मान लो ए, ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये होता है इनटू साइन ऑफ, अब साइन के अंदर क्या डाला जाता है? फेज। बाय डिफॉल्ट फेज होता है ओमेगा टी, क्योंकि कोई भी चीज़ को कंपेयर करते हैं सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन सेंटर पे हमने एसी भी किया है, ओमेगा टी आता है। पर यहाँ पर तो फेज मुझे क्लियर दिख रहा है कितना है? 4 पाई, तो उठा के मैंने 4 पाई पुट कर दिया, ओमेगा टी की वैल्यू गिवन ही है मेरे पास, 4 पाई, 4 पाई पुट कर दिया। ओमेगा टी में तो इंस्टेंटेनियस फेज है, टी टाइम पे फेज क्या कवर किया होगा? मेरे को तो पता ही है फेज 4 पाई है, मैंने 4 पाई कर दिया। सेकेंड वेव की इक्वेशन में वाई डैश इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, क्या पुट करेंगे? फिर से 4 पाई, मुझे दिख रहा है ये 4 पाई कवर करेगा। तो ये इसका फर्स्ट वेव का फेज है, ये सेकेंड वेव का फेज है, तो फेज डिफरेंस क्या है? आपको पेपर में ये तो ना गिवन होगा, आपको पेपर में इक्वेशन गिवन होगी, तो फेज डिफरेंस क्या है? इस फेज में से इस फेज को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। वो मैंने डायग्राम से दिखा दिया पर इक्वेशन से भी दिखा दिया।
और आपके पेपर में ये 4π 4π थोड़ा गिवन होगा, आपके पेपर में ऐसे होगा कि अगर एक वेव है उसकी इक्वेशन किसी भी इंस्टेंट पर कितनी है, ओमेगा टी। जैसे यहाँ पर ये जो टर्म क्या बनेगी, ओमेगा टी, कि मान लो टी टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे यहाँ पर पहुँचते ही फेज क्या हो गया, 4π। तो दूसरे केस में भी ये इस, अगर ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो ये भी क्या बनेगा, ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस क्या होगा इनका, माइनस करके 0। तो बात ही के लिए इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि फेज दोनों में सेम है, आइडेंटिकल सोर्स है, तो जो इक्वेशन फर्स्ट की है वही इक्वेशन सेकेंड की है, बात ही क्लोज कर दी। लेकिन अगर मान लो ये केस नहीं है, अगर मान लो ये केस है, ये आपके सामने पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे मैंने ये डायग्राम लिया, 1 और 2, 1, 2 और 3, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं हो रही, वैसी बात हो रही है। तो दो वेव्स हैं तो यहाँ पर 4π है, 3 वेव्स हैं तो यहाँ पर 6π है। तो ऊपर वाली वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन ऑफ कितना, 4π। नीचे वाली वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन ऑफ 6π। सिंपल। पर आपको क्वेश्चन के अंदर 4π 6π थोड़ा गिवन होगा, इन जनरल क्या बनेगा, इन जनरल ऐसे लिखेंगे ए साइन ऑफ, सपोज इसको क्या लिखा, ओमेगा टी, ठीक, मान लो 4π की जगह ओमेगा टी किसी भी इंस्टेंट पर हो सकता है। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन ऑफ 4π + 2π लिख दूं चलेगा 6π को, क्योंकि इसका फेज इसके फेज से तो ज्यादा ही है। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन ऑफ 4π को क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा टी प्लस कितना, 5, वेयर 5 इज नोन एज फेज डिफरेंस। चेक कर लो 5 को क्या लिखेंगे, फेज का डिफरेंस चेक कर लो, ये फेज क्या है 6π, ये क्या है 4π, दोनों को डिफरेंस लेंगे तो 2π, मैंने लिख तो लिया डिफरेंस 2π, तो फेज डिफरेंस क्या है यहाँ पर 2π, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2π। तो आज के बाद आपकी इक्वेशंस ऐसी लिखी होंगी, फर्स्ट इक्वेशन लिखी होगी ए साइन ऑफ ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, लेकिन इन दोनों के अंदर 5 का मतलब क्या है, फेज का डिफरेंस। तो इतने डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इफ दिस फेज डिफरेंस इज दिस फेज डिफरेंस इज nπ, 2nπ, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव। और इफ दिस फेज डिफरेंस इज 2n - 1 × π, तो कौन सी इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, तो मतलब इतनी लंबी स्टोरी सुनाने के बजाय बुक्स आपको यहां से स्टार्ट करके देंगी, पर ये मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है पीछे, ये तो चलो कोई भी स्टार्ट कर ही देगा, इससे बड़ी बात नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि दो वेव जब चलेंगी दो सोर्स से तो उनमें 5 क्यों होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं किस पॉइंट पर जाके वेव मिलेंगी, किसी पॉइंट पर फेज डिफरेंस 0 भी मिलेगा, किसी पे 2π, किसी पे पाई, किसी पे 3π, किसी पे 4π, 5π, पता नहीं क्या होगा। तो 5 क्या होगा इनमें, फेज डिफरेंस, उस पर डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट कंस्ट्रक्टिव क्या है या डिस्ट्रक्टिव।